जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने पर उनके चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए राजा भैया ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता जनसत्ता दल के साथ है। उनके प्रत्याशी को क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। अमेठी के अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी निश्चित नहीं है, आगे जब नाम आएगा तो अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर हम उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हमको उम्मीद से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे तुरंत ही दूर नहीं किया जा सकता, फिर भी मेरी सरकार बनती है तो नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। जिले की गौरीगंज सीट से जनसत्ता दल ने नफीस चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जिनके मुकाबले में सपा के राकेश प्रताप सिंह मैदान में है। राकेश प्रताप सिंह 2012 और 2017 के चुनाव में गौरीगंज में सपा का परचम लहरा चुके हैं।